वेलकम टू अंजली किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं नई रेसिपी जिसका नाम है रेड सॉस पास्ता। ये जो रेसिपी है ये बहुत ही आसान तरीके से और मैंने इंडियन तरीके से इसको बनाया है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं रेड सॉस पास्ता। इसके लिए मैंने लिया है ये पास्ता है, हाफ कटोरी लिया है, कटी हुई शिमला मिर्च ली है, कटा हुआ गाजर, लहसुन लिए है दो तीन कली, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। ये प्याज है, आधा ही प्याज लिया है मैंने कटा हुआ। ये हरे मटर है, इसको थोड़ा मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया था। ये चिली फ्लेक्स है। इसके बाद मैंने लिया है नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, मिक्स हर्ब्स, ब्लैक पेपर, अमूल चीज क्यूब लिए है दो, और ये मैंने लिया है टोमेटो प्यूरी। ये जो टोमेटो प्यूरी है इसे मैंने दो टोमेटो लिए थे, इसको बॉईल कर लिया है और फिर उसका छिलका निकाल के उसको मिक्सी में पीस लिया है। तो अब हम सबसे पहले ये जो मैंने पास्ता लिया है इसे बॉईल करेंगे। मैंने ये गैस लगा दिया है, उसके ऊपर ये पैन रखा है, इसमें मैं अब पानी डालूंगी एक गिलास, और जब ये पानी पूरा बॉईल हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे पास्ता। इसको अब गर्म होने देंगे। देखिए पानी उबल गया है, अब हम इसमें ये पास्ता डालेंगे। और ये जो पास्ता है इसे हम 7 मिनट तक होने देंगे। अब इसके ऊपर हम ढक्कन रखेंगे, इसे 7 मिनट तक होने देंगे। तब तक हम जो अपना रेड सॉस है उसको बनाना शुरू करेंगे। अब हमने फ्राई पैन रखा है, इसमें हम रेड सॉस बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल, डालेंगे ये ऑलिव ऑयल है 2 टेबलस्पून। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई लहसुन, इसके बाद डालेंगे इसमें प्याज, इसे हल्का सा कलर आने तक होने देंगे। ये हमारा प्याज होता रहेगा तब तक हम ये जो हमने पास्ता रखा है इसको देखेंगे। ये हल्का सा हो गया है, इसमें अब हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज्यादा नहीं डालना है, और थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे क्योंकि ये जो पास्ता है इसको टेस्ट नहीं रहती है, फीका रहता है, इसलिए थोड़ा सा नमक इसमें डालेंगे और इसे 5 मिनट तक होने देंगे। गैस रखी है, हमारा प्याज जो है वो हल्का सा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम, कटी हुई कैप्सिकम डालेंगे और गाजर डालेंगे, इसको भी हम 2 मिनट तक होने देंगे। ये जो रेड सॉस है इसमें वेजिटेबल्स नहीं डालते, लेकिन अगर हम डालेंगे तो हमारा जो ये सॉस है ये बहुत ही टेस्टी हो जाएगा और हेल्दी भी हो जाएगा। इसको 2 मिनट तक होने देंगे। देखिए हमारा जो ये शिमला मिर्ची हमने डाली थी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे ये चिली फ्लेक्स, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। बाद में हम इसमें डालेंगे ये ब्लैक पेपर है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इससे कलर भी अच्छा आएगा, थोड़ा सा नमक और मिक्स हर्ब्स। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये मटर, ये पहले ही हमने बॉईल कर लिए थे। अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी, ये मैंने 2 टोमेटो लिए थे। आपको अगर ज्यादा क्वांटिटी बनाना है तो आप 4 टोमेटो ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे,
अब इसे 2-3 मिनट तक होने देंगे। जब तक हमारा जो ये सॉस है ये गाढ़ा नहीं हो जाता है तब तक इसे हम होने देंगे। इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे और होने देंगे। पास्ता भी अभी 5 मिनट हो गए हैं, देखिए ये बनकर तैयार हो गया है। एक बार इसे चेक करते हैं क्योंकि इसे ज़्यादा पकाना भी नहीं है और कच्चा भी नहीं रखना है, क्योंकि सॉस में अगर हम डालेंगे तो उसमें भी ये थोड़ा सा पक जाएगा। देखिए इस तरह से जो हमारा पास्ता है ये बनकर तैयार हो गया है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे और इसमें ठंडा पानी डालेंगे। देखिए हमने इसमें निकाल लिया है एक छन्नी में और इसमें ठंडा पानी डाल दिया है। इससे जो हमारा पास्ता ये खुल जाएगा और टूटेगा नहीं। इस तरह से हमने ये अपना पास्ता निकाल लिया है। हमारा सॉस देखते हैं हुआ है कि नहीं। देखिए अभी इसमें जो तेल है ये छूटने लगा है, इसे और 1 मिनट तक होने देना है। अब हम देखते हैं, देखिए अभी ये तेल भी छूटने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे ये टोमेटो सॉस, ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। अगर टोमेटो सॉस डालते हैं तो कलर भी अच्छा आएगा और हमें शक्कर डालने की जरूरत नहीं है। देखिए हमारा जो ये सॉस है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये जो पास्ता मैंने उबाल लिया था ये इसमें डालेंगे। देखिए ये रेड सॉस में पास्ता बहुत ही अच्छा दिखता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है, थोड़ा सा स्पाइसी है। अब हम इसे 1 मिनट के लिए ही, सिर्फ 1 मिनट रखेंगे क्योंकि ये पहले ही पक चुका है। इसको 1 मिनट होने देंगे। देखते हैं, वाह, देखिए हमारा जो ये पास्ता है अब तैयार हो गया है, ये खुल भी गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये चीज। ये 1 चीज क्यूब लिया था मैंने क्योंकि 1 डिश पास्ता बना है। इसे मिक्स कर लेंगे। तो चीज इसमें मेल्ट हो जाएगा। हो गया है ये जो हमारा पास्ता है ये बनकर रेडी हो गया है। अब गैस को हम बंद कर देंगे। इस तरह से पास्ता मैंने एक डिश में निकाल लिया है, इसके ऊपर से चीज डाल दिया है। तो आज की जो हमारी रेसिपी है रेड सॉस पास्ता ये बनकर तैयार हो गई है। तो आज की जो हमारी रेसिपी है रेड सॉस पास्ता बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट ऐसी रेसिपी है। तो अगर आपको आज का जो मेरा वीडियो है वो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।